लॉकडाउन की वजह से लोक परंपराएं भी अटकी हुई हैं। लोग मृतकों की अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 माह से अस्थि कलशों को गंगा में विसर्जन का इंतजार था। राजधानी के चोमू कस्बे में सामान्य मौत होने के बाद 100 से अधिक मृतकों के अस्थि कलशों का गंगा में विसर्जन नहीं हो पाया था। जब लोगों की ये पीड़ा विधायक तक पहुंची तो विधायक रामलाल शर्मा ने इन अस्थियों के विसर्जन के लिए एक योजना बनाई। इस योजना को मूर्त रूप देकर एक बस को किराए पर हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। खुद विधायक ने अपने खर्चे पर लोगों को इस बस में हरिद्वार भेजा है। इस बस में 20 परिवारों के 40 लोगों को भेजा गया है। बुधवार को सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने गढ़गणेश मंदिर से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक रामलाल शर्मा के अलावा नगरपालिका चेयरमैन अर्चना कुमावत मौजूद रहीं। बस में बैठने से पहले सभी लोगों को सैनिटाइज किया गया, साथ ही सभी लोगों को भोजन के पैकेट भी दिए गए। ने हरिजनों को, जिनसे वो विशेष स्नेह और प्रेम करते थे, उनको खोया है। लेकिन ये हमारी सनातन की परंपरा और हमारी हिंदू धर्म की एक आस्था है कि जब तक गंगा के अंदर अस्थियों का विसर्जन नहीं करते तब तक आदमी के मन मस्तिष्क के अंदर शांति नहीं मिलती। और इसीलिए पिछले 2 महीने के अंदर कई परिवारों के ऐसे लोग काफ़ी चिंतित थे, और इस बात के लिए भी कि हमारे पूर्वजों का हम अस्थियों का विसर्जन नहीं कर पाए, और लॉकडाउन के दौरान स्वीकृतियाँ भी नहीं मिल रही थी, और उसके चलते काफ़ी परिवारों के मन के अंदर वेदना थी। तो इसका हमने सभी रास्ता ये निकला कि जिला कलेक्टर से बात करके बस की परमिशन लेके, और आज चोमू से लेकर हरिद्वार तक ये बस हमने भेजी है। 22 तारीख को पुनः जो शेष रह गए उनको भेजेंगे, फिर अगर शेष बचेंगे तो उनको भी आगे इनको भेजने का काम करेंगे। इस चोमू विधानसभा क्षेत्र से 2 स्थानों के ऊपर ये जाते हैं, एक हरिद्वार जाते हैं और एक सौरभ जी जाते हैं, तो उनकी भी हम सूची तैयार कर रहे हैं ताकि सौरभ जी भी भेजने की हम व्यवस्था करेंगे। और निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं। उनके कारण इस अवधि में बहुत सारे परिवारों के जो प्रियजन थे वो संसार से विदा हुए, और उनके मन में एक भाव था कि हमारे परिजनों के अस्थियों को हम गंगा जी पहुँचाएँ। लेकिन इस 2 महीने के अंतराल में ये लॉकडाउन की अनुपालना कहिए, परिवारों का धैर्य कहिए, मैं उनको बहुत प्रशंसा भी करता हूं और उनके धैर्य को दाद देता हूं। माने विधायक जी ने एक अच्छी पहल की है, आपने मुझे परसों सूचना दी कि इस प्रकार से हम 40 परिवारों को एक बस के माध्यम से भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि अपने परिजनों को अपने हाथों से अस्थियां विसर्जन करेंगे, दिवंगत आत्मा को भी आत्मसंतुष्टि सदगति प्राप्त होगी और परिवारों को भी परिजनों को भी आत्मसंतुष्टि।